आज जी हमने माता जी के लिए स्पेशल बनाया है गुलाबी शरबत पतंजलि का। इसमें काफी आयुर्वेदिक चीजें डली हैं गाइस, नींबू डला है और अरे हमने बना लिया भाई, आयुर्वेदिक ही है, आयुर्वेद का ही काम करते हैं नींबू गर्मी में। और ये इसमें बीच में है जी गुंद कतीरा, ये भी पता नहीं साला आयुर्वेदिक है नहीं। माता जी पियो, माता जी ना एक्चुअली थक गई थी पिताजी के हाथ का पी पी के ना। हे माता जी, पिताजी इतना स्वाद बनाते हैं ना शिकंजी, उसमें जग बनाएंगे तो उसमें एक नींबू होगा, दो चम्मच चीनी होगी बस, तो उसमें नींबू और चीनी कम पियो। कैसा बना भाजी? फिर हम बनाए तो बढ़िया ना बने, ऐसा हो सकता है? ये माता कहती थोड़ी पियो लेकिन क्वालिटी पियो बढ़िया। अब हम भी पी लेते हैं भाई जी, बैठ के पियो। हम तो नींबू डालते हैं इसमें गुलाबी शरबत में। ठंड पे और गाय मासी ने दीती सी कल अंब देसी, मनु ले आया सी भाई तो, पर ये ना आज सुबह हमें खबर आई है मासी यहाँ से। हमने सोचा था इसका चार डाले, मतलब चार डालने के लिए थी, लेकिन ये पीली पीली निकली है अंदर से। है तो बिल्कुल टाइट भाई, साइज भी बढ़िया है बहुत टाइट, लेकिन उन्होंने काट के देखी ना पर वो अंदर से वो निकली पीली पीली, तो इसका अभी चार नहीं डलेगा, इसे अब वैसे ही पकाएंगे और खाएंगे। हाँ जी, एक बज चुका है, ब्रेकफास्ट भी अपना आ गया। ये रे राजमा जी, परौंठे के साथ बढ़िया लग रहा है। तो बज चुके हैं और अपना नाश्ता पानी हो गया जी डन, और माता जी छिल रही थी यहाँ भिस, और भिस को छिलते छिलते माता की हो गई थी टाइट आई भिस। हाँ जी, हैं माता जी करता भाई छोड़ दो, अने सांप वांगू कोई एवे फिर एवे फिर एवे सीता कोई सीखा ही नहीं है क्या साफ, मतलब चलो बनाएंगे जी। आज तो वैसे शनिवार है, हमने तो आपको पता है जाना होता है, तो इनके लिए बनाएंगे बेस आलू जी। हम सुबह खाएंगे क्योंकि हम अपने शादी ग्रहण कर लेंगे और क्या। तो गाइस बेस आलू हमने पानी में भिगो के रख दिया है ताकि इसके अंदर ना हल्की फुल्की होती है मिट्टी, गर्म पानी में डुबाया हमने तो वो मिट्टी निकल जाएगी। वैसे तो साफ ही नहीं थी ज़्यादा, पर कहीं कहीं हो जाती है ना। और आज मैच भी है, फाइनल है भाई भारत का और अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। तो गाइज चार बज चुके हैं और हम नहा धो के हो गए हैं जी रेडी, और आज हमने पहनी है जी धोती, दिखाते हैं आपको। लो गाइज, ये लो जी ना, बढ़िया कैसी लग रही है बताओ आप। और इस बार जी मैंने अब पहनी है धोती, हफ्ते में एक बार पहननी चाहिए, गर्मी भी नहीं लगती भाई। सबसे मेन बात निक्कर से कम गर्मी लगती है इसमें, निक्कर में फिर इससे ज्यादा लगती होगी। हाँ जी, अति हेल्प तो मेरी माता करती है धोती बांधने में, मतलब कि पीछे थोड़ी बहुत ना पीछे वो लट मतलब अंदर करनी होती है ना तो माता ही करती है, क्योंकि अपने आप से ना ज्यादा परफेक्ट हो नहीं पाती, इसलिए एक चाहिए साथ में हेल्प कराने के लिए। आगे से तो मैं पूरी फिट कर देता हूँ। तो कई 5:15 हो चुके हैं और मैंने कहा कुछ बना लिया जाए चेतन के लिए, हम तो देख लेंगे अपना, अभी तो भूख नहीं है फिलहाल, तो सेवियाँ बनाए थे भाई उसके लिए, वही बिना मिर्चों की। तो आलू भून लिए पहले, अब प्याज भून लेंगे, इसके बाद चेक कर लें ये पक गए भाई, पक गए बढ़िया पक गए। तो जी ये गए प्याज, कई सेवियाँ भी ऐड कर दी हमने, और इसमें नमक और हल्दी भी डाल दी। अब डालेंगे जी 2 गिलास पानी, क्योंकि 1 गिलास सेवियाँ, 2 गिलास पानी डलेगा जी, ये पहला गिलास गया, क्योंकि 1 गिलास सेवियाँ तो 2 गिलास पानी डलेगा। ये गया जी 2 गिलास। तो गाइस अब ढक देंगे और धीमी आंच पे इसे पकाएंगे फॉर 10 to 15 मिनट्स, और हम खुद भी पक गए हैं, देखो पसीना पसीना हो गया पूरा। सेवियाँ हो चुकी हैं जी तैयार, 6:30 बज गए हैं, और इधर हम तड़का मारने जा रहे हैं अब भेज आलू को। हमने लहसुन और जीरा भून दिया, और अब डलेगा जी इसमें ये तड़के का मसाला, प्याज टमाटर अदरक, और इसे भी यहीं शक के देख लेते हैं भाई कैसी बनी है, फिर रात को देख लेंगे अगर भूख लगी तो। ठीक है, चलिए बाजार ही है ना सेवियाँ भुनी हुई, मतलब जैसे एक तो पापा बुलाते हैं खुली हुई जिन्हें घर ला के हम भुनते हैं, ये पैकेट वाली हैं, मुझे जो खुली वाली होती है ना वो ज़्यादा स्वाद बनती है। अभी पानी भी मैंने इसमें डबल डाला, पर तब भी ये खड़ी खड़ी बनती है यार, आई डोंट लाइक दैट यू नो सी, स्वाद ठीक है बट जो मटेरियल मतलब टेक्सचर है वो नहीं ज़्यादा मुझे पसंद, वो खुली वाली का पसंद है। ऐसी सेम मैकरोनी का हिसाब किताब है, वो भी खुली ज़्यादा फूलती है और बढ़िया भी बनती है। वैसे ऐड करते हैं इसमें हल्दी, और थोड़ा सा जाएगा जी नमक अपने मतलब स्वाद अनुसार,
गाइस अब फ्लेम करते हैं ऑन और इसे चिकन कर देते हैं इसके ऊपर और इसे पका लेते हैं। ओहो गाइस थोड़ा सा मसाला सड़ गया बट कोई नहीं, पानी डालेंगे अभी सब उतर जाएगा इस साइड में से। वैसे तो बढ़िया पक गया मसाला। ये अब ऐड करते हैं इसमें 20 आलू। मिक्स कर दिया हमने गाइस, तो अब हम डाल देते हैं इसमें पानी। तो गाइस ढक्कन लगा दिया हमने इसमें और अब 4-5 दिन वाले की सीटियाँ तभी बढ़िया गलेगी बेस, वरना थोड़ी थोड़ी ना कच्ची रह जाती है, 1-2 में तो इसका काम होता नहीं, तो कम से कम 4-5। चलो हम कर लेते हैं अभी आरती, फिर फुलके भी बना के जाएंगे आज, मतलब माता पिता और भ्राता जी की रोटी बना के जाएंगे। तो गाइस आरती कर ली हमने, 7:10 है एंड फुलकों की तैयारी भी हम कर रहे हैं ताकि हम लेट ना हो, क्योंकि आज मैच भी है और 9:15-9:30 वहाँ से भी आने में बच जाते हैं। तो करो तैयारी फिर फुलकियाँ दी भाजी, और तवा भी हमने रख दिया और इधर काफी सीटियाँ तो आ चुकी हैं। ओ ले भाई, हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल अब मैं और ये सब पम मामा एम ए की छड़न ए गोले छड़न दे हैं ए मामा गेट तो खोल के आ गया है तेल लेके जाता। अच्छा जो भाई कालू की दुकान तक बुलाया हमें। हाँ जी भाजी दसो। हाँ बतरा जी दसो। हेलो गाइस वेलकम माय चैनल। हाँ ये रहा लड़का छोटा था। अच्छा और बस और कुछ कहना ही? और कुछ कहना ही? और कुछ कहना? हेलो गाइस वेलकम माय चैनल अभी और ये शाम हम जानने वाले हैं। हाँ। भाई ड्रामेबाज है, पूरा ड्रामेबाज है भाई। ओए ड्रामेबाज। चलो ओके बाय। क्या करना है अब? मैं कह रहा हूँ यह बंदा जो ना नीच बल्ली है। जो नीच? थोड़ा नीच बल्ली है। हैं? अरे पैसे दे दो। ध्यान से देखिए बच्चे के पैसे मार लिए इसने। पैसे मार लिए तूने उसके? हैं पैसे दे दे। हैं? हाँ पैसे दे दे पाजी दे। चल ठीक है बाय बाय बाय। इधर आ इधर बाय बाय। लो गाइस फुलके भी डन है, अब टी शर्ट चेंज करते हैं फटाफट क्योंकि ये ना पसीनो लिया दबा के, तो दूसरी पहन लेते हैं। इस सब्जी बढ़िया पक चुकी है हमारी, ये चेतन की निकाल दी हमने अलग, बाकी की एरिया मसाले ऐड कर देते हैं, सूखा धनिया लाल मिर्च देगी मिर्च और काली मिर्च। लो गाइस सब्जी रेडी है अपना फर्स्ट क्लास बढ़िया, ऑयल भी रिलीज कर दिया इनने। चलो जी तो गाइस 7:17 हो चुके हैं और ऑल सेट, चलते हैं फिर। हम हमेशा की तरह लेट हो ही जाते हैं थोड़ा बहुत, पर आज हम थोड़ा जल्दी है, वैसे 7:30 बजे थे आज, अभी 7:07 ही। चलो फिर Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama संस्कार देते, क्यों नहीं हम शुरू में उनको अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देते। अब देखिए औरों के धर्म आप लीजिए, इस्लाम धर्म आप लीजिए, कोई मुस्लिम भाई ऐसा होगा जो सिर पे टोपी ना रखता हो, नमाज ना पढ़ता हो 5 बार है ना, गुरुद्वारा देख लीजिए, कोई सिख बिना पगड़ी के आपको नजर आएगा? नहीं आएगा ना, गुरुद्वारे में डेली नियम से जाएगा, बच्चे भी जाएंगे। क्रिश्चियंस देख लीजिए, कोई भी क्रिश्चियन चर्च में हर संडे जाएगा या नहीं जाएगा, प्रेयर करेगा या नहीं करेगा? तो भाई हमें क्या बता रही है, हम अपने बच्चों को मंदिर क्यों नहीं ले जाते? हमें तिलक लगाने में शर्म क्यों आ रही है? हमें साड़ी पहनने में शर्म क्यों आ रही है? हम क्यों जीन्स और टॉप में रहना चाह रहे हैं? हमारे संस्कार कहाँ चले जा रहे हैं? कौन समझेगा इनको?
तो गाइस ये आ गया हमारा प्रसाद, कड़ी चावल रोटी दाल और सब्जी, खा लेते हैं हम इसे। हरे कृष्णा हरी बोल। तो गाइस भारत वर्ल्ड कप जीत चुका है, मुबारका 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 बहुत बहुत तुहानू, लख लख बधाइयां सारे नू। इसी खुशी में हम व्लॉग को करते हैं जी एंड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल पे नया हो जाओ सब्सक्राइब कर दे। बाय बाय, राम राम, जय सिद्धू जी, जय हो, जय श्री राम, बल्ले बल्ले।